Welcome everyone. Welcome to our YouTube channel, and in this video we will discuss about class 9 geography chapter 4, that is climate. So देखिए क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले जो हमारे पास एक बेसिक टर्म आ रही है वो है क्लाइमेट. क्लाइमेट बेसिकली होता क्या है, टोटल जो सम टोटल जितने भी वेदर कंडीशन हमारी एक प्लेस पर लग रही है, जितना भी वेरिएशन आ रहा है पूरा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और से मान लीजिए हम 30 साल तक हम कंडीशंस देख रहे हैं लगातार कि ये कंडीशंस हमारे एरिया में आ रही हैं, तो हम उसको क्लाइमेट बोल देंगे. लेकिन इसके विपरीत होता है वेदर. वेदर देखिए यूज होता है एक एटी मान लीजिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए बारिश आ रही है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई अभी जो वेदर है वो है रेनी, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेदर एक पर्टिकुलर टाइम पे. तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं इन दोनों को बनाने के लिए. उन एलिमेंट्स का नाम है हमारे पास टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन. इतने सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड आप सभी जानते हैं देखिए हमारे कुछ सीजन में गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, बारिश भी आएगी. ओके सो देखिए वर्ल्ड, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड को बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा गया है और इंडिया को भी ऐसे ही बांटा गया है. तो हम देखते हैं इंडिया का किस टाइप का हमारा क्लाइमेट है. तो इंडिया का मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है. और मॉनसून जो वर्ड आया कहाँ से आया, अरेबिक वर्ड मौसम है, वहाँ से ये आया है. कहाँ से आया क्वेश्चन आ सकता है, मॉनसून आया है अरेबिक वर्ड मौसम से. और मॉनसून का मतलब है जब सीजन के हिसाब से रिवर्स कर जाए विंड. हर साल जैसे ही सीजन चेंज होता है विंड्स का रिवर्स हो जाना, दैट इज नोन एज मॉनसून. तो आगे देखते हैं. देखिए इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप है, ये हम देख चुके हैं. और इसके अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन उनमें से दो हैं इंपॉर्टेंट जो इसके लिए अप्लाई होते हैं. अगर हम इंडिया की गर्मियों की बात करें तो लगभग 50 डिग्री तक तापमान हमें राजस्थान में देखने को मिल जाता है, लेकिन वही तापमान 20 डिग्री तक हमें देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में. और अगर हम सर्दियों की बात करते हैं तो हमें जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर -45 तक मिलता है, लेकिन तिरुवनंतपुरम की बात करें वहाँ पर मॉडरेट 22 डिग्री तक मिल जाता है. इज दैट क्लियर. आगे चलते हैं. देखिए अभी हम प्रेसिपिटेशन की देखते हैं. हमने टेम्परेचर के बारे में देख लिया, टेम्परेचर का क्या चेंज होता है. प्रेसिपिटेशन की बात करें तो इंडिया में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर 400 से भी ज़्यादा सेंटीमीटर में बारिश आ जाती है, जैसे मेघालय. और कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश आती है, जैसे लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान. इंडिया का जो मेनली पार्ट, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है इंडिया का, वो जून से सेप्टेम्बर तक बारिश आती है. लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पर सर्दियों में भी बारिश आती है, जैसे तमिलनाडु की कोस्ट. ओके जहाँ पर अक्टूबर और नवंबर में भी बारिश आ जाती है. इन जनरल देखिए कोस्टल एरिया के पास अगर हम बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर का ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता. जितने भी हमारे इंडिया के कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पर समुद्र तट के किनारे हैं वहाँ पर एक मॉडरेट टाइप का टेम्परेचर रहता है. रीज़न, इसके पीछे रीज़न है कि जो सी का इफेक्ट है, जो वाटर का इफेक्ट है, वो उसके ऊपर पड़ता है. देयर इज डिक्रीज इन रेनफॉल. और दूसरी बात देखिए टेम्परेचर भी बढ़ेगा जैसे जैसे हम कोस्ट से दूर जाएंगे. और ये बोल रहा है कि देयर इज इंक्रीज इन रेनफॉल एज वेल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नदन प्लेन. अगर नदन प्लेन में हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं तो बारिश बढ़ती है. ओके जिसकी वजह से क्या है, लोग वहाँ पर अपना रहन सहन करते हैं, शहर वगैरह बसाए ज़्यादातर इस साइड जाते हैं. सो लेट्स सी, ये तो था एक इंट्रो हमारा क्लाइमेट का, ठीक है. इंडिया का हमने देख लिया. अभी कुछ होते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स. देखिए देर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट. क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए 6 मेजर चीज़ें हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं. वन इज लैटिट्यूड, देन एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, दैट इज कंटिनेंटलिटी एंड ओशन करंट्स, एंड लास्ट इज रिलीफ फीचर्स. देखिए लैटिट्यूड आप जानते हैं जो ये लेटिव लाइन होती है, ऐसे ओरिजेंटल लाइन, उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं. लॉन्गिट्यूड आर द दिस वर्टिकल लाइन. तो जो अर्थ का कर्वेचर उसके हिसाब से देखिए अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जितना रिसीव करेगा लैटिट्यूड के हिसाब से वेरी करता है. जैसे मान लीजिए कि इक्वेटर है, फिर उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके ऊपर पोलर लाइन्स है. तो इसके हिसाब से जो अर्थ का ये शेप है सोलर एनर्जी काफ़ी वेरी करेगा सबके ऊपर अलग अलग, ठीक है. तो इसलिए हम बोल सकते हैं जैसे जैसे सोलर एनर्जी वेरी करेगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे. यानी इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाएंगे ऊपर तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज. ऐसे ही एल्टीट्यूड पे होता है, एल्टीट्यूड पे भी टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है. जैसे जैसे हम ऊंची पहाड़ पर जाएंगे, ऊंची जगह पर जाएंगे. अगला फैक्टर है प्रेशर एंड विंड सिस्टम. देखिए प्रेशर एंड विंड सिस्टम भी डिपेंड करता है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के ऊपर ही. ये दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं टेम्परेचर को, रेनफॉल को, कि आसपास कैसा इफेक्ट होगा. और दूसरी अगला फैक्टर देखिए डिस्टेंस फ्रॉम सी. डिस्टेंस फ्रॉम सी पे क्या डिपेंड करता है, मॉडरेटिंग इफेक्ट. व्हाट इज मॉडरेटिंग इफेक्ट, देखिए टेम्परेचर 20 से 25 के रेंज में जो रह जाता है इसको मॉडरेटिंग इफेक्ट बोल रहे हैं. ये डिपेंड करता है कि समुद्र के तट से कितना दूर है वो जमीन, ठीक है. और इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंटिनेंटलिटी.
फिफ्थ फैक्टर इज ओशन करंट। देखिए करंट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, वार्म करंट गर्म होते हैं जो गर्म पानी लेकर आते हैं, कोल्ड करंट। इन पर भी निर्भर करता है कि वहाँ पर बारिश आएगी या नहीं आएगी या फिर टेम्परेचर कैसा होगा। एंड लास्ट फैक्टर इज रिलीफ फीचर्स। देखिए रिलीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे हाई माउंटेन्स हैं जो ठंडी ठंडी हवाओं को रोकते हैं, बारिश का कारण भी बनते हैं कई बार, ठीक है, रेन बीरिंग क्लाउड्स को हवाओं को लेकर आते हैं अपने पास, तो इन सब से भी प्रभाव पड़ता है हमारे क्लाइमेट के ऊपर। तो देखिए इनको हमने अभी तक देखा है जस्ट एक समरी के तौर पर, लेकिन अभी हम देखेंगे कि इंडिया के क्लाइमेट पर कौन कौन सी चीज़ें प्रभाव डालती है। ये छः तो डालते ही हैं इंडिया के क्लाइमेट पर। देखिए सबसे पहले सेम लैटिट्यूड, आप जानते हैं इंडिया कहाँ पर है, ट्रॉपिकल कैंसर इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, रन ऑफ कैंसर के मिजोरम करके निकलती है, ठीक है। ट्रॉपिकल कैंसर के साउथ में जो एरिया उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, और उसके जो नॉर्थ में होगा उसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिक एरिया। तो इसलिए इंडिया में दोनों तरह के क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल भी एज वेल एज सब ट्रॉपिकल भी। दूसरा फैक्टर है दैट इज एल्टीट्यूड। इंडिया में बड़े बड़े पहाड़ हैं, नॉर्थ में, साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें पहाड़ मिल जाते हैं। तो हिमालय देखिए ठंडी हवाओं को रोकते हैं एंटर करने से, तो बहुत ही कम ठंड फिर भी होती है। देखिए ठंड तो होती है लेकिन फिर भी लेस है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न पार्ट्स। अगला फैक्टर सेम प्रेशर एंड विंड। इंडिया में प्रेशर एंड विंड का प्रभाव पड़ता है, तीन टाइप के हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर। फर्स्ट है प्रेशर एंड सरफेस विंड, जो हवाएं सरफेस पे चलती है, फिर अपर एयर सर्कुलेशन यानी सरफेस से ऊपर जो हवाएं चलती है हमारी, अपर एयर सर्कुलेशन। एंड थर्ड फैक्टर इज वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए इंडिया कौन से रीजन में लाई करता है, इंडिया लाई करता है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रीजन में, यानी नॉर्थ ईस्टर्ली बोले तो देखिए नॉर्थ है ये, साउथ है ये, ईस्ट है वेस्ट है, यानी जो हवाएं यहाँ से आएंगी, ठीक है, जो हवाएं यहाँ से आएगी उस विंड के रीजन में इंडिया लाई करता है, यानी इंडिया के हम बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से से हवाएं आएंगी, ठीक है, समर में। आगे देखते हैं, देखिए ये साउथ की तरफ जाएंगी और डिफ्लेक्ट हो जाएंगी कोरली स्पॉट्स की वजह से एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। अभी देखिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कोरली स्पॉट्स। कोरली स्पॉट्स देखना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज इसके बिना हमें समझ में नहीं आएगा टॉपिक। देखिए ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, जो भी हवा ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए थी ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, नॉर्मली अगर हम कोई भी फोर्स ना हो तो। लेकिन कोरलिस फोर्स होने की वजह से क्या है, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर हमारा और साउथ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवा इधर भी जा रही है वो राइट में टर्न कर जाएगी, इसका मतलब जो हवा ऐसे स्ट्रेट जाती वो हवा इधर टर्न कर जाएगी राइट में, ठीक है, अगर नीचे आ रही है तो इस तरफ टर्न कर जाएगी, ऐसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में टर्न करेगी, इसका मतलब इस तरफ, ठीक है, यानी अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हवा हमारी इस तरफ जाएगी और अगर नॉर्थ की बात करें तो राइट में। तो ये बात याद रखिएगा, राइट रहता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में और लेफ्ट रहता है सदर्न हेमिस्फीयर में, और इसका इसको हम फेरेंस लो भी बोलते हैं, जो ये राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर फेरेंस लो भी को बोला जाता है। अभी देखिए इंडिया का बहुत ही यूनिक है फीचर आप जानते हैं, सर्दियों में देखिए क्या होता है, बहुत बड़ा हाई प्रेशर एरिया बन जाता है हिमालयन रीजन के आसपास, जो ठंडी हवाएं आती हैं लो प्रेशर एरिया, इस रीजन से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवा जाएगी, ठीक है। सर्दियों में क्या होता है, नॉर्थ में लो प्रेशर एरिया बनता है जिसकी वजह से कुछ महीनों के बाद बारिश आ जाती है। बिकॉज देखिए एक चीज़ है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, यानी हाई टू लो, यानी इंडिया में एक बार हाई प्रेशर बनेगा एक बार लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, इसकी वजह से क्या होता है कंप्लीट रिवर्सल रहता है विंड्स का, हवाएं बदलती रहती हैं सर्दी से लेकर गर्मी तक, ओके। एंड यस जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करेंगे ये, इक्वेटर से ऊपर हमारा इंडिया, तो ये हवा राइट में टर्न करेगी, राइट में टर्न करते ही इंडिया में एंटर कर जाएगी, ठीक है, ड्यू टू कोरलिस फोर्स। ये बात याद रखिए कोरलिस फोर्स की वजह से। ये था हमारा सरफेस विंड के बारे में, इनको हम साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं। साउथ वेस्ट क्यों बोलते हैं, अभी देखिए ये नॉर्थ है ये साउथ है वेस्ट है, तो ये हवा यहाँ से आ रही है इक्वेटर पार करके इधर से आ रही है, इसलिए साउथ वेस्ट हम इसको बोलेंगे, नीचे से आ रही है हमारे इंडियन ओशन नीचे इसलिए। अभी देखिए एक और डेफिनेशन है, अपर एयर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर, वेस्ट की तरफ से हवा आती है, वेस्ट की तरफ से हवा आएगी ऐसे, ओके, तो वेस्ट की तरफ से जो हवा आ रही है यहाँ पर इसको हम वेस्टली बोलते हैं और इसको जेट स्ट्रीम भी बोल देते हैं। अभी जेट स्ट्रीम क्या होते हैं, देखिए लगभग 27 से 30 डिग्री नॉर्थ में चलती है, थोड़े सा ऊपर जाएंगे जब हम ट्रॉपिकल कैंसर से, इसलिए हम इसको सब ट्रॉपिकल भी बोल देते हैं, वेस्टली जेट स्ट्रीम बोल देते हैं बिकॉज सब ट्रॉपिकल ये एरिया है। आप यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं व्हाट इज जेट स्ट्रीम। अगला जो थर्ड इफेक्ट है वो है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। देखिए वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस हमेशा कहाँ से लेगी, ये वेस्टर्ली विंड के साथ आती है, जो हमारी हवा वेस्ट से आएगी इंडिया में ये उसके साथ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस लेकर आएगी नॉर्थ में और इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है। इसको हम देखिए एक ईस्ट में भी ऐसा ही चलता है सेम टू सेम, एक ईस्ट की हवा भी चलती है इसके अगेंस्ट जिसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल ईस्ट विंड जेट स्ट्रीम। तो देखिए आज के हमारा जो ये पार्ट वन है क्लाइमेट का, इसके अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे कि कितने टाइप का हमारा इफेक्ट पड़ता है इंडिया पर। तो ये इसमें से आप ध्यान दीजिएगा प्रेशर एंड विंड सिस्टम पे,
ठीक है, कितने प्रकार की हवा चलती है ये अगर आपको याद है तो आप इजीली समझ पाएंगे जो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है इंडियन मॉनसून को। ओके, इंडियन मॉनसून को आप इजीली समझ पाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेदर। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो थैंक यू एवरीवन।